जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBPS क्लर्क एडमिट कार्ड 2024 को। जी हाँ, यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं IBPS में अलग अलग जो है पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी, और यहाँ पर अभी जो आपके PO ठीक है और आप लोगों के IBPS जो ऑफिस असिस्टेंट है उसके एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी हो गए, लेकिन क्लर्क के एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पर इनवैलिड कैंडिडेशन करके शो हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है IBPS क्लर्क एडमिट कार्ड 2024 को लेकर। ठीक है, कैसे इसे डाउनलोड करना है सारी जानकारी यहाँ पर मैं इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो है पासवर्ड जो है वो गलत डाल रहे, जो डेट ऑफ बर्थ है ठीक है उसका फॉर्मेट जो है दिया हुआ है किस तरीके से आप लोगों को फिलअप करना है, वो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी अपडेट्स आती है वो आप लोगों को सही और सटीक यहाँ पर मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर वीडियो में आप लोगों को जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, आपको सिंपल सा सर्च करना है IBPS, ठीक है, IBPS आप सर्च कर लेंगे, IBPS की ऑफिशियली वेबसाइट यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी पहले ही नंबर पे। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो आप लोगों को जो है इस तरीके से पेज दिखाई देगा। अब जो भी रिसेंट अपडेट है वो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रही है, देख पा रहे हो कि रिसेंट जो अपडेट है वो यहाँ पे जो भी लिंक का यहाँ पर अवेलेबल करवाया जा रहा है वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो 2 तारीख को जो अपडेट की गई थी वेबसाइट में, जो आपका ऑफिस असिस्टेंट है ठीक है मल्टीपर्पज़, उसके लिए एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी कर दिए गए थे, जैसा कि ये लिंक यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, इस लिंक के माध्यम से जो है जो IBPS जो ऑफिस असिस्टेंट वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब क्लर्क वाले क्या कर रहे हैं कि क्लर्क वाले भी जो है इसी लिंक से जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर उनको इनकरेक्ट कैंडिडेंशियल करके यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप पूरी जानकारी देखिए, सबसे पहले ये है यहाँ पर पूरी डिटेल्स। देखिए, IBPS क्लर्क का जो आप लोगों की भर्ती है ठीक है IBPS RRB के अंतर्गत, तो इसमें आप अगर देखेंगे तो सारी चीज़ें देखिए। पहली चीज़ तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो इसकी एग्ज़ाम है, देखिए एग्ज़ाम है 24 तारीख को, 25 तारीख को और 31 तारीख को, यानी 24, 25 और 31 अगस्त को जो है इसकी एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझेंगे कि IBPS जो आप लोगों का PO था ठीक है, IBPS PO का था, तो यहाँ पर यह जो एडमिट कार्ड है वो 24 को आया था और एग्ज़ाम डेट है वो 3 तारीख थी। ठीक है, वहीं यहाँ पर अगर हम बात करें तो 10 तारीख से जो है IBPS जो ऑफिस असिस्टेंट है उनके एडमिट कार्ड सॉरी एग्ज़ाम थे, और यहाँ पर जो है 2 तारीख को उनका जो है यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी किया गया। तो आप लोगों को अभी मैं बता दूं, जो अपडेट IBPS क्लर्क के लिए है उसके लिए यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट पे कोई भी लिंक जो है यहाँ पर नहीं आया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो भी अपडेट है वो ऑफिस असिस्टेंट और PO के लिए यहाँ पर आई हुई है और जो नई वैकेंसी है उसके लिए है। तो आप लोगों को बता दूं, जब आपकी एग्ज़ाम जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि 24 तारीख को है पहली शिफ्ट या पहला डेट, उसके बाद 25 और उसके बाद 31, ठीक है 3 डेट है, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर जो IBPS जो भी आपकी एग्ज़ाम होती है उसके एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम के 10 दिन पहले जारी करता है। ठीक है, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले जारी करता है, तो यहाँ पर आप लोगों के जो एडमिट कार्ड है वो 10 अगस्त के बाद ही जो है यहाँ पर आएंगे। जी हाँ, 10 अगस्त के बाद ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे, और ऑफिशियली वेबसाइट आपके सामने है और IBPS की ऑफिशियली वेबसाइट है, यहीं पे आपको आना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो रिसेंट अपडेट में आपको 10 तारीख के बाद जो है एडमिट कार्ड का लिंक जो है कभी भी जो है ये जारी कर सकता है। ठीक है, तो आप IBPS क्लर्क वाले जो स्टूडेंट हैं वो IBPS ऑफिस असिस्टेंट हो या PO हो, उस वेबसाइट से अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होंगे, आपको प्रॉब्लम ही आएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट दूसरे ही लिंक से कर रहे हैं और वहाँ पर उनको जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि पहली चीज़ तो क्लर्क के लिए जो एडमिट कार्ड है उसका लिंक ही एक्टिव नहीं किया गया है, तो यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वेट करना है 10 तारीख तक, उसके बाद जो है आप ट्राई करेंगे, आपको अपडेट मिल जाएगी, जब भी एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव होगा आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।